मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्लास 12th के लेसन फर्स्ट का टॉपिक सतत आवेश वितरण के बारे में बता रहे हैं। क्या है भाई? तो ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हो सतत आवेश वितरण कहलाता है। मतलब क्या है कि ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें आवेश क्या हो, लगातार एक समान रूप से रखे हो, तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। अब देखिए, रेखीय आवेश वितरण कह रहा है, तो कह रहा है क्या होता है भाई, तो जब आवेश समान रूप से एक रेखा में वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। किसी भी चालक पर आवेश वितरित हो लेकिन क्या हो, एक रेखा में हो, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तथा चालक के प्रति एकांक लंबाई में आवेश के वितरण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। वही आवेश प्रति एकांक लंबाई में यदि हम वितरित होता है तो घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इक्वल डी क्यू, क्या है, स्मॉल चार्ज बाई डी एल प्रत्येकांक लंबाई, या हम डी क्यू इक्वल लिख सकते हैं लेमडा इंटू डी एल, ठीक ना। कह रहा है कि कोई परीक्षण आवेश क्यू जीरो यदि ले जाते हैं तो उस पर लगने वाला बल डी एफ स्मॉल वाले इक्वल क्यू जीरो बाई फोर पर जीरो डी क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस डी क्यू की वैल्यू लेमडा इंटू डी एफ क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे, तो डेल्टा एफ इक्वल क्यू जीरो बाई फोर परसेंट जीरो इंटू डी लेमडा डी एल बाई आर क्यू, तो ये हो जाएगा आपका रेखीय आवेश वितरण के कारण, ठीक ना, किसी परीक्षण से लगने वाला बल। अब देखते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। तो जब किसी भी चालक पर आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तथा प्रत्येकांक पृष्ठ पर स्थित आवेशों को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा एथि सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहा है, पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा तो पृष्ठ आवेश वितरण, और जब प्रत्येकांक पृष्ठ पर यदि स्थित हुआ आवेश तो उसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल होता है डी क्यू बाई डी एस, या डी क्यू इक्वल डी एस इंटू सिग्मा, ठीक है, हम लिख सकते हैं पचहत्तर करके। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ इक्वल क्यू जीरो बाई फोर पे एप्सिलॉन जीरो डी क्यू बाई आर स्क्वायर, या एफ इक्वल क्यू जीरो बाई फोर पे एप्सिलॉन जीरो, अब यहाँ पर रख देंगे हम इसका मान डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर, तो डी एस इंटू सिग्मा बाई आर क्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। अब इसी आधार में हम लोग देखते हैं आयतन आवेश वितरण या घनत्व। तो जब आवेश किसी चालक के पूरे आयतन में फैला हो, जब आवेश किसी चालक के आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक ना। तथा प्रत्येकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को, अब प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित है उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और रो से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल डी क्यू बाई डी वी, या डी क्यू इक्वल रो इंटू डी वी। चूँकि परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल क्यू जीरो बाई फोर परसेंट जीरो
डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, या एफ इक्वल क्यू जीरो बाई फोर पॉइंट जीरो, और डी क्यू हम क्या लिख सकते हैं रो इंटू डी वी बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, आयतन आवेश वितरण, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम।